अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह आप पीपीएससी की फ़ीस अपने घर बैठे मुझसे पे करवा सकते हैं। अगर आपको मैं तरीका स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा, अगर आप खुद पे करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, वरना ये मेरा नंबर व्हाट्सएप का मौजूद है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूरे पाकिस्तान से कहीं भी कहीं किसी टाइम भी मुझसे ये फ़ीस पे करवा सकते हैं। पीपीएससी की फ़ीस जो होती है अप्लाई के लिए, आप मुझसे पे करवा सकते हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की। वैसे मैं आपको मेथड भी बता देता हूँ कि किस तरह पे होती है, और इसके अलावा मेरा ये नंबर भी मौजूद है व्हाट्सएप का, अगर आप मुझसे पे करवाना चाहते हैं तो मुझसे भी करवा सकते हैं। तो स्टेप बाई स्टेप मैं आपसे शेयर करता हूँ कि पीपीएससी की फ़ीस कैसे पे की जाती है एमसीबी बैंक के थ्रू। अगर आपके पास एमसीबी बैंक का अकाउंट है और उसकी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं, तो पहले तो यहाँ पर आप यूज़र नेम लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, आपकी जो एप्लीकेशन एमसीबी की है वो ओपन हो जाएगी। उसके बाद इसी तरह आपके अकाउंट वगैरह आ जाएगा सर्च, और अकाउंट नंबर वगैरह ये इसी तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपने जाना है मोर पर, ये जो मोर का ऑप्शन है ये मैंने जूम किया है, मोर पर आप क्लिक करेंगे जब उसके बाद और बहुत सारी चीज़ें निकल कर आ जाएंगी। और इसके बाद आपने यहाँ पर जाना है वन बिल पर, वन बिल पर आपने जाकर क्लिक करना है। उसके बाद फिर इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी इनमें आपको नज़र आ रहा है, वन बिल है, अदर बैंक क्रेडिट है, मगर आपने किसी चीज़ को भी क्लिक नहीं करना, जो मैं बता रहा हूँ वहाँ क्लिक करना है। आपने यहाँ पर गवर्ड पेमेंट पर जाकर क्लिक कर देना है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो फिर इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। ये देखें बहुत सारी फीसें वगैरह आ गई हैं कि एफ बी आर की वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर एक और ऑप्शन है जी ओ पी बी, ये मैंने गुम किया है, जी ओ पी बी गवर्ट डॉट ऑफ पंजाब। तो इस पर आपने क्लिक करना है, और जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो वो जो आप अप्लाई कर रहे हैं फीस के लिए, जहाँ आपने किया हुआ है प्रोसेस वगैरह पीपीएससी का, तो उसमें एक होगा पीएसआईडी नंबर, वो पीएसआईडी नंबर यहाँ पर आपने लिख देना है, इस जगह पर पूरा का पूरा यहाँ पर लिख देंगे जब आप, और प्रोसीड पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर पूरी डिटेल आ जाएगी कि किसके नाम का ये जनरेट किया गया है पी एस आई डी, और कितनी फ़ीस है वगैरह वगैरह। फिर वहाँ पर आप कंफर्म करके उस फीस को पे कर देंगे। जब पे करेंगे तो इस तरह का फिर आपको सक्सेसफुल का मैसेज भी मिल जाएगा जब आप शेयर पर क्लिक करेंगे। उम्मीद काफ़ी है, थैंक यू, आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने पे करवाना हो, आपको समझ ना आई हो, तो मुझसे भी पे करवा सकते हैं, और क्लियर मैंने मेथड भी बताया है, खुद भी पे कर सकते हैं।